तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नेता कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर नेता बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि नेता कैसे बने। नेता बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन सी पढ़ाई करनी होगी, कौन सा कोर्स करना होगा, यही सब जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नेता बनना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको इसमें बताएंगे कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी उम्र निर्धारित की गई है, या इसके क्या क्या कार्य होते हैं, या नेता कैसे बना जाता है, यही सब जानकारी लेकर हम अपनी वीडियो में आए हैं। हम आपको बताएंगे कि नेता किसके द्वारा बना जाता है या इसकी किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों, नेता बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। यह आपको भी पता होगा कि नेता बनना एक गर्व की बात होती है। अगर आप किसी भी चेंज में पोस्ट में जाते हैं तो सभी चीज़ों के लिए बहुत जानकारी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी नेता बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आइए मैं आपको ऐसे ही जानकारी लेकर अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको बहुत सी जानकारी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और जानते रहिए कि आप एक नेता कैसे बन सकते हैं, नेता बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों का पालन करना होगा, या आपकी योग्यता किस प्रकार की होनी चाहिए, यही सब जानकारी मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और बताती हूँ आप नेता कैसे बन सकते। तो आइए, चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नेता कैसे बने, इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं कि नेता के बारे में, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोकतंत्रीय देश के हैं जिन देशों में जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है और चुनी हुई सरकार उस देश की जनता और उस देश का विकास करने का काम करती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत सारी पॉलिटिक्स पार्टी होती हैं, जिस प्रकार आप जानते होंगे कि जिस प्रकार बिजनेस में मार्केट के कई सारी कंपनियां होती हैं, उसी प्रकार एक ही देश में विभिन्न प्रकार की पार्टियां होती हैं। सभी पार्टियों का अलग अलग निशान होता है, परंतु सभी का मकसद एक ही होता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीते और वह केंद्र के सरकार बने। हर पार्टी देश के सत्ता में आनी चाहिए और इसके लिए वह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो और चुनावों में उन्हें वोट दे अपना। अगर हमारे देश की बात की जाए तो इस समय इंडिया में कई क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल के तौर पर मुख्य रूप समय इंडिया तो राखी दौर के तौर पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय नेशनल कांग्रेस को जाना जाता है। इसके अलावा भी ऐसे कई पार्टियां हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र के प्रभाव है। अगर आप नेता बनना चाहते हैं और नेता बनकर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि नेता बनने के लिए आपको क्या करना होगा, या नेता कैसे बने, और नेता बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में जानेंगे कि नेता कैसे बने, नेता बनने के लिए क्या करें, नेता का मीनिंग क्या होता है, और दोस्तों, नेता बनने का क्या तरीके होते हैं, आदि की सारी जानकारी विस्तार में जानने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। हम आपको अपनी वीडियो में एक एक करके सभी टॉपिक की अच्छे से समझाएंगे कि आप नेता कैसे बन सकते हैं, नेता बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, और एक नेता बनकर आपको क्या करना होगा।
होता है। इसके लिए हम आपको अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं कि नेता की क्या योग्यता होती है और नेता को क्या क्वालिफिकेशन पास करनी होती है। अगर दोस्तों आप यह सब जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और जानिए कि एक नेता को किस तरह के कार्य दिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नेता क्या क्या करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जानते हैं नेता कैसे बनते हैं। आइए चलिए दोस्तों जानते हैं कि नेता किसे कहते हैं। नेता का मतलब नायक और अगुवाई करने वाला सरदार या लोगों का नेतृत्व करने वाले से है। राजनीतिक नज़रों से देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राजनीतिक दल को जनता के बीच लोकप्रिय बनाता है या फिर अपने राजनीतिक दल का जनता के बीच प्रभाव साबित करता है, वह व्यक्ति नेता कहलाता है। नेता बनने के लिए योग्यता। सफल नेता बनने के लिए आपके अंदर निम्न योग्यता होनी चाहिए। नेता बनने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में अनपढ़ लोग भी नेता बन सकते हैं। फिर भी अगर आपने 10वीं 12वीं या कोई भी पढ़ाई की है तो यह आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। नेता बनने के लिए आपके अंदर अच्छा बोलने की कला होनी चाहिए। आपका व्यक्तित्व आकर्षण होना चाहिए ताकि लोग आपको पसंद करें। आपका ईमानदार आवश्यक है नेता बनने के लिए, क्योंकि लोगों को बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। आपको लोगों के सुख दुख में सहभागी बनना आना चाहिए। आपके अंदर संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक ही दिन में कामयाबी नहीं मिलने वाली है, बल्कि इसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। आपके अंदर निडरता होनी चाहिए ताकि आप लाखों की भीड़ का सामना बिना डरे कर सकें। बिना पैसे की नौकरी नहीं होती है, इसलिए आपके पास नेतागिरी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे होने चाहिए। और दोस्तों, आपको अपने आप को ऐसे बनाना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, आपके पास आने में संकोच ना करे। अच्छा भाषण देने से कला होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, पुलिसिया दमन सहने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यह वर्तमान में होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं आगे की जानकारी को और जानेंगे कि नेता बनने के लिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे तो हमने आपको बहुत से पॉइंट क्लियर करवा दिए हैं कि इनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या आपको नेता बनने के लिए क्या क्या करना होगा या एक नेता किसे कहा जाता है। हमने आपको यह सब जानकारी अपने पॉइंट के थ्रू बता दी है। तो दोस्तों, आपको यह भी पता चल गया होगा कि अनपढ़ लोग भी नेता बन सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सी कार्य जानने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट ऐसे ही बताते रहेंगे कि आपको नेता बनने के लिए क्या करना होगा या एक नेता बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि नेता को क्या क्या करना होता है, किस तरह के कार्य करने होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं कि नेता बनने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको छात्र संगठन से जुड़ना होगा। आपको नेता बनने का सपना छात्र संगठन भी पूरा कर सकता है। नेता बनने के लिए आप किसी भी छात्र संगठन से जुड़ सकते हैं और उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कई नेता हैं जो पहले छात्र संगठन में ही काम करते थे और छात्र संगठन में काम करते करते उन्हें लोगों की नज़रों में आए। फिर उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन भी किए थे और उन्हीं आंदोलन की सफलता के कारण वह लोगों की नज़रों में आए हैं, जिसके कारण किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और वह चुनाव लड़कर चुनाव जीत गए और नेता बन गए। हिंदू संगठन ज्वाइन करें। वर्तमान समय में यह काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है
अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आप किसी भी हिंदू संगठन में शामिल हो सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि आप जनता हैं और जानते हैं कि वर्तमान में भाजपा सरकार है जो कि हिंदूवादी सरकार मानी जाती है, इसलिए अगर आप किसी हिंदूवादी संगठन में शामिल हो जाते हैं और अच्छा काम करके लोगों की नज़रों में आते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई पार्टी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दे और आप चुनाव लड़ सकें। आप चाहें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंदू समाज पार्टी RSSBHP बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन में शामिल हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने आपको बहुत सी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपकी वीडियो में ज़रूर मदद करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर।